अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाहौर मेहंदी स्टूडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने दो नेल्स लगाए हुए हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने दराज से चीज़ें ऑर्डर की थी और उसके नाम भी मैंने आपको बताए थे कि, और ये देखें, मेरे पास यूवी लाइट है जो कि इस तरह की है, जिससे नेल्स जो हैं वो ड्राई होते हैं जिस लाइट के नीचे। ये फाइलर है, दो जो हैं कोट्स हैं, बेस कोट एंड टॉप कोट। सिल्वर वाला बेस कोट है और गोल्डन वाला टॉप कोट है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कब और कैसे यूज़ होगा। ये मेरे पास एक्सटेंशन जेल है जो कि क्लियर शेड में है, और ये मेरे पास नेल्स हैं, साइजेस अलग अलग हैं नेल्स के। और ये पेन टाइप की एक चीज़ है जिसके एक साइड कुछ इस तरह से और दूसरी साइड पर ब्रश लगा हुआ है, ब्रश टाइप है कुछ इस तरह से, जिससे हम अपने नेल्स को शेप देंगे। तो वीडियो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक नेल मेरा लगा हुआ है, बाकी मैं आपके सामने आपको लगाकर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से इससे नेल्स बनाए जाते हैं। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मज़ीद आपको डिटेल्स बता सकूँ और मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको अगर चाहिए तो जल्दी से बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे कि मैं पेन दिखा रही थी कुछ इस टाइप के, इसकी तरफ दोनों साइड्स पर ये होती है, और ये जो मेरे पास जेल है इसको मैं ओपन करूँगी। इसको मैंने जो कि क्लियर शेड में है, ये हर शेड में आ जाती है, तो आप इजीली जो भी आपको शेड चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैंने ओपन की है, ये सील होती है, तो ये मैंने ओपन कर लिए। तो सबसे पहले मैंने जो है अपने नेल्स को फाइल कर लेना। अगर आपके नेल्स भरे हैं तो उसको आपने कट करके कुछ इस तरह से फाइल कर देना, और नेल के ऊपर भी एक दो बार इस तरह से रब कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा एक दो बार, ताकि जो नेल की जो रियल स्मूथनेस होती है वो ख़त्म हो जाए और नेल पर हमारा नेल जो है, जो नेल एक्सटेंशन है, वो अच्छे तरीके से फिट हो जाए, सेट हो जाए। और इस तरह से आपने साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने इस पर लगाना है बेस कोट। सबसे पहले हम करते हैं बेस कोट अप्लाई। ये मेरा आप हाथ देख लें, क्या हाथ के हालात हो चुके हैं। खैर, अब मैं आपको लगाना सिखाऊंगी तो ज़रूर। तो सबसे पहले हमने ये बेस कोट अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में हमने प्रोडक्ट लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल लाइट सा आप लेंगे ब्रश के साथ, और ये हो जाएगा अप्लाई। इसको ये फ़ौरन ही ड्राई हो जाता है, इस पर ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, ये बिल्कुल जब आप लगाएंगे तो एक दो सेकंड बाद ये ड्राई हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने नेल्स देखना है कि कौन सी शेप जो है फिट आएगी मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग, और तो उस शेप का मैंने नेल जो है निकाल लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कौन सा नेल जो है ठीक लगेगा। जल्दी जल्दी से तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूँ। तो जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 8 नंबर का नेल है, वो मैंने अपनी थर्ड फिंगर के लिए जो है चूज़ किया है। साइज़ जो है वो परफेक्ट था थर्ड फिंगर के लिए, तो मैंने चूज़ कर लिया। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ और साइड पे करके, तो अब मैंने क्या करना है, इस पर मैं लगाऊंगी जेल। ये जो मैंने आपको पेन दिखाया था उसका जो बैक साइड थी, उससे हम जेल निकाल लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। जेल बहुत ज़्यादा नहीं लेनी और बहुत कम भी नहीं लेनी। तो ये मैंने जेल निकाल ली है, अब मैं ये नेल पर जेल लगा कर तो इसे ब्रश से मैं फैला दूँगी। ये मैं ज़रा साफ़ कर लूँ जेल को, वरना बाद में मेरे हाथों पर चिपकेगी। तो ये मैंने जेल जो है नेल में डाल ली है, और अब ये मैं ब्रश से इसको नेल की शेप दूँगी। जितना मुझे नेल चाहिए, ज़्यादा बड़े चाहिए तो फुल आप कर सकते हैं, और अगर छोटे नेल्स आपको बनाने हैं तो आप जो है नेल्स के ऊपर जो निशान बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको फैला लें, और फिर आप नेल की शेप बना लें, ठीक है, कुछ इस तरह से। जी, तो अच्छी तरह से मैंने ये लगा लिया है, अब मैं इसे अपने नेल पर लगाऊंगी। यूवी लाइट को मैंने ऑन कर दिया, और ये मैं नेल पर लगाकर थोड़ा सा प्रेस करूंगी, और
और इसको मैं लाइट के नीचे रख दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लूंगी ताकि ये उतर ना जाए और नेल की शेप ख़राब ना हो जाए। तो तकरीबन 40 to 60 मिनट्स हमने इसको लाइट के नीचे रखना है, यानी कि 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट आपने इसको लाइट के नीचे रखना है और ये हमारा नेल जो है वो ड्राई हो जाएगा और फिर हमने इसको निकाल लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से आपने इसके ऊपर से जो हमने नेल उतारना है, जिसके ऊपर हमने शेप दी थी बाद में, वो नेल उतर जाएगा और जो जेल का नेल है वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। वाह वाह, नेल जो है वो मेरा तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी ना वो अजीब सी बन चुकी है क्योंकि मैंने सही तरह से पहले शेप में नहीं बनाया था। तो अब मैं इसको जितना मुझे नेल चाहिए उतना मैं कट कर लूँगी जो एक्स्ट्रा है, और इसको मैं अच्छे तरीके से फाइल कर लूँगी। जो भी मुझे शेप चाहिए, आपको राउंड में चाहिए या ऊपर से स्ट्रेट में चाहिए या नोक शेप चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये मैंने नेल अपना फाइल कर लिया है, ये देखें ज़बरदस्त इतना प्यारा नेल तैयार हो जाता है ये। और जब इसके ऊपर नेल पेंट लगती है तो लगता ही नहीं कि ये फेक नेल है, बिल्कुल रियल लगता है। तो ये मैं अपनी जो है बाकी भी थंब और लास्ट फिंगर का नेल जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको भी मैं सेम प्रोसेस से जो है अप्लाई करूँगी और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी क्योंकि फाइनल लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये जो लास्ट फिंगर वाला था नेल, इसका नंबर है 10, इसकी शेप जो है, इसका साइज़ जो है वो 10 है जो ये लास्ट फिंगर है। तो इसी तरह मैं अप्लाई करूँगी जेल, नेल के ऊपर रखूँगी और यूवी लाइट के नीचे रखूँगी और फिर नेल जो ऊपर वाला था उसको हटा लूँगी। सेम प्रोसेस से ये भी काम मैं करूँगी, तो जल्दी से मैं ये काम कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। Oh.
अभी तो सारे नेल्स जो हैं वो मेरे लग चुके हैं। अब मैं ये जो फाइनल थंब वाला नेल था उसको अलग कर लेती हूँ और उसको कट कर लूँगी जितना मुझे नेल का साइज़ चाहिए। उसके बाद मैं इसकी शेप बना लूँगी। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा नेल ये तैयार हो गया। तकरीबन आपके ये नेल 1 वीक तक लगे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। 4 to 6 7 days तक ईजीली ये निकल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही मुझे पसंद आई है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखें। और मुझे तो मेरा सेम ऑर्डर मिला था दराज से, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं जो है इसके ऊपर नेल पेंट अप्लाई कर लूँगी। ये नेल पेंट्स है मेरे पास कुछ, तो मैंने रेड और ग्रीन रखा है। तो ये टॉप कोट है, ये टॉप कोट जो है वो बहुत ही ना शाइन ले आता है, मतलब ग्लोई नेल्स हो जाते हैं। तो ये मैं नेल पेंट अप्लाई करने के बाद टॉप कोट अप्लाई करूँगी और फिर ड्राई कर लूँगी यूवी लाइट में। एंड फाइनल फिर मेरे नेल्स जो हैं वो रेडी है, देखें ज़बरदस्त। तो टॉप कोट मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, तो मैं टॉप कोट अप्लाई करने लगी हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने नेल आर्ट किया है, ये गोल्डन से मैंने फ्लावर की शेप दी है और बीच में एक एक स्टोन लगाया है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन है। और ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत चलता भी है ये। तो अब मैं ये टॉप कोट अप्लाई करने लगी हूँ। टॉप कोट अप्लाई करने के बाद आप इसकी लुक देखें कि कितने शाइनी और ग्लोई नेल्स मेरे लग रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ये भी बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में मैंने ये वाला प्रोडक्ट भी लेना है, टॉप कोट जो है बहुत भर भर के नहीं लगाना, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा भी लेंगे तो बहुत ही अच्छी हमें जो है ना ग्लो नेल्स में मिल जाती है। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया, अब मैं इसको यूवी लाइट में ड्राई कर लूँगी। वेट करूँगी 30 सेकेंड तक और फिर ये मैं रेडी हूँ। मेरे नेल्स जो हैं वो रेडी हैं प्यारे प्यारे से। तो ये मैंने ड्राई कर लिए हैं। अब इसकी आप फाइनल लुक देखें कि कितनी प्यारी लग रही है और कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। बहुत ही अच्छे और रियल नेल्स लग रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा कि मैंने जो है फेक नेल्स अप्लाई किए हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बिल्कुल यही लग रहा है कि मेरे खुद के नेल्स हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।